हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लेवल 10 करंट अफेयर में। आज हम 19 मार्च 2020 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले कल हमने आपसे एक रिवीजन क्वेश्चन पूछा था कि रो पैक्स सर्विस, जो कि बहुचा ढाका से मांडवा तक है, यह किस स्टेट ने स्टार्ट की है। इसका आंसर था महाराष्ट्र। ये रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस है और इससे हमारे 110 किलोमीटर का डिस्टेंस रिड्यूस होकर 18 किलोमीटर हो जाएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीलावेम्बु कुदिनीर हाल ही में न्यूज़ में है, यह क्या है। इसका आंसर है बी, मेडिसिन। यह एक सिद्धा मेडिसिन है, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और हाल ही में यह प्रूफ हुआ है कि ये डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से रोकेगा, मतलब इन बीमारी को होने से रोकेगा। आज का सेकंड क्वेश्चन, इनमें से किस इंस्टीट्यूट ने स्टार्च बेस्ड हेमोस्टेट मटेरियल डेवलप किया है। इसका आंसर है सी, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर मोहाली में है। ये हेमोस्टेट मटेरियल ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर को कंसंट्रेट करता है, मतलब जब कभी चोट लगती है तो ब्लड फ्लो होता है तो उसे एब्जॉर्ब करके रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुगनूर जो कि ड्वार्फ कैटल ब्रीड है, यह भारत के किस राज्य में मिलती है। इसका आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। यह कैटल ब्रीड एक्सटिंक्ट हो रही है, इसलिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को इसके कंजर्वेशन के लिए फंड दिया जा रहा है। अब हम थोड़ा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में जानते हैं। यह मिशन 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इम्प्लीमेंट किया था। इस कंजर्वेशन में इंडिजीनियस कैटल की ब्रीड, मतलब स्वदेशी गायों की ब्रीड को कंजर्व करना और साइंटिफिक मैनर में उनकी डेवलपमेंट करना है। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं, ये हमारी पुगनूर कैटल है। यह दुनिया के सबसे छोटे कुबड़ वाला जानवरों में से एक है और इसके मिल्क में फैट का कंटेंट सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा होता है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने EWACTG, मतलब ईस्टर्न वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड के लिए इंडिया को $70 बिलियन की ग्रांट दे दी है। इसका आंसर है ए, वर्ल्ड बैंक। इस प्रोजेक्ट में नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 के बीच में कनेक्टिविटी बनाना है। नेशनल वाटरवे 1 अलाहाबाद से हल्दिया तक है और नेशनल वाटरवे 2 सदिया से दुबरी तक है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। इस प्रोजेक्ट में 4200 किलोमीटर वाटरवे का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है, जो कि यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से गुजरकर बनेगा। और इस प्रोजेक्ट में 5 देशों के बीच, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच रीजनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्विंग वुमेन के लिए परमानेंट कमीशन दिया है। इसका आंसर है सी, इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने महिलाओं के लिए SSC, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन को परमानेंट कमीशन में बदल दिया है। शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 साल तक होता है और परमानेंट कमीशन के तहत वुमेन अपने करियर में 4 साल और बढ़ा सकती हैं, मतलब यह 14 साल तक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सप्ताह G20 की लीडर समिट को वर्चुअली कौन सा देश होस्ट कर रहा है। यह COVID-19 की वजह से वर्चुअली हो रही है। यह इसका आंसर है डी, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया होस्ट कर रहा है। अब हम G20 के बारे में जानते हैं। G20 हमारा 1999 में बना था और इसके सदस्य एक यूरोपियन यूनियन और 19 कंट्रीज है। इसका एम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। अब आप मैप में देख सकते हैं, ये सऊदी अरेबिया है, इसकी कैपिटल रियाद है और इसके लेफ्ट में हमारा रेड सी है और इसके राइट में पर्शियन गल्फ है और इसके साउथ में हमारा अरेबियन सी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल रिसाइकल डे कब मनाया गया। इसका आंसर है ए, 18 मार्च को। यह सबसे पहली बार 2018 में मनाया गया था। यह डे हमें अपने रिसोर्सेज के लिए अवेयर करवाता है। हमें अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ना करके उन रिसोर्सेज को रिसाइकल करना चाहिए और उसका दोबारा यूज़ करना चाहिए।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल में पढ़ाए जाने वाले लेसन्स को प्राइवेट रीजनल टीवी चैनल के जरिए टेलीकास्ट करने का फैसला किया है? इसका आंसर है सी गुजरात। यह भी कोरोना वायरस की वजह से किया है ताकि स्कूल के बच्चों का जो सिलेबस स्कूल बंद होने की वजह से छूट रहा है उसे रीजनल टीवी चैनल के जरिए कवर किया जा सके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक नेचुरल फ्लेवर सैनिटाइजर बनाया जा रहा है जिसमें एक्टिव टी और अल्कोहल कंटेंट होगा? इसका आंसर है ए CSIR IHBT। ये सैनिटाइजर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सैनिटाइजर गाइडलाइंस को पूरी तरह फुलफिल कर रहा है। अब हम SCSIR के बारे में जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। यह 1942 में बनी थी और इसका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। IHBT इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर हिमाचल प्रदेश में पालमपुर में है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। CSIO सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। CLRI सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने कंपनीज और देशों के लिए COVID-19 से निपटने के लिए 12 बिलियन यूएस डॉलर से कितना बिलियन यूएस डॉलर फंड इंक्रीज किया है? इसका आंसर है बी 14। अब हम वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा जानते हैं। वर्ल्ड बैंक हमारा 1945 में बना था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है और इसके प्रेसिडेंट डेविस मालपस है। और आज का हमारा रिविजन क्वेश्चन है, निर्विक स्कीम जो कि न्यूज़ में है, यह इनमें से किससे रिलेटेड है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ आज का करंट अफेयर हमारा यहीं ख़त्म होता है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।